नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यूनिफॉर्म में चार कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज करो ये यूनिफॉर्मली चार कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और इसकी रेडियस दे रखी है 1.2 मीटर, ठीक है। यूनिफॉर्म चार कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू दे रखा है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाय एरिया, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू कितना होगा, 80 × 10 माइक्रो कूलम है, माइक्रो में तो उसमें बदल कूलम है, ठीक है। एरिया देखो 4 स्पेयर है तो 4 πr², आर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस होगी 1.2 का होल स्क्वायर। तो क्यू इक्वल टू इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, तो ये निकलेगा आपका 1.44 × 10⁻³ कूलम, ठीक है। मतलब कोई यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है इतनी 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द चार्ज ऑफ द स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी इसका टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लीविंग कितना कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कितना होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्यू कितना दे रखा है, 1.44 × 10⁻³, और एप्सिलॉन की वैल्यू जानते हो 8.854 × 10⁻¹², ठीक है। इसको सोल्व करना, फाइव इक्वल टू सोल्व करने में आपका आंसर आएगा 1.63 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्लियर, ठीक है। व्हाट इज द टोटल, यानी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा ना बाहर की तरफ जाएगा लीविंग द सरफेस, सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन होगा, ओके।